बीजेपी नेता राजकुमार वेरका ने एमएचओ न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने जालंधर उपचुनाव समेत कई पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं केंद्र सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जलंधर जिमनी चोण के बीच लगातार जोड़ा है, रोज़ के रोज़ नवी चीज़ा हो रही ने, सारिया पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही, तो साड़ी एम एच बन की जी एक्सप्रैस है वो लगातार कवरेज कर रही है। मेरे नाल इस वक्त बीजेपी के बहुत ही सीनियर आगू तो पंजाब की राजनीति के बीच जे जी कह सकते हैं कि बाबा बोर्ड बनन जा रहे हैं, राजकुमार वेरका मेरे नाल ने गलबात करी, उन्होंने बस की सैर भी करावे, कई गल बहुत बहुत स्वागत है वेरका साहब तुहाडा, तो कई गलबात करा, चलो बस के बीच चलते हैं। बिल्कुल बस के बीच असी बह गए ने वेरका साहब नाल गल्लां बात करेंगे। वेरका साहब, सब तो पहला जलंधर जिमनी चोण की ही गल कर ली है, तुहाडा कैंडीडेट इंदर अटवाल बहुत पुरानी फैमिली रही है, उन्होंने चोणों के बीच भी रहे हैं, किवें लगता, किस तरीके का हुंगारा मिलेगा, तुसीं भी देख रहे हो, लोगों नाल मिल रहे हो, क्या फीडबैक आ रहा है? देखो गल ये है कि लोग महसूस ये करते हैं कि अगर मन लो किसी होर उम्मीदवार नूं जिता के भेज भी दोगे तो इहदे वास्ते जलंधर का की भला होएगा, जलंधर वास्ते की लैके वो आएगा। और लोग अज महसूस करते हैं कि देश के अंदर एक ही लीडर है नरेंद्र मोदी, और उही वाहद उही एक सहारा है पंजाब दा। पंजाब दे लोग बड़ी आस उम्मीद दे नाल केंद्र दे आले पासे देख रहे हैं, और केंद्र दे अमित शाह आले पासे देख रहे हैं, जेपी नड्डा जी आल देख रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आले पासे देख रहे हैं, और लोग महसूस करते हैं कि जिस तरीके दे नाल पूरे देश दे अंदर एक केंद्र दी सरकार ने नरेंद्र मोदी दी अगवाई हेठ जो क्या वो करके दिखाया, और इसलिए वो चाहते हैं कि भाई इस रफ्तार दे विच, इस डिवेलपमेंट दे विच, एक ए विकास दी लहर दे विच जलंधर तो भी हम सफर एदा उम्मीदवार बने, और बीजेपी दा उम्मीदवार हम सफर केंद्र दी सरकार दे नाल बनेगा। फिर यह कहा जा रहा कि जो पुराने वर्कर से उन्होंने दरकिनार करके अकाली दल तो बंदा लिया है, बाहर का बंदा लिया है, वो ठगे महसूस कर रहा जो वर्कर है? नहीं नहीं नहीं, कोई अजिही गल नहीं, इतने के ना तो किसी ने कोई विरोध है, पार्टी जो फैसला कर दी, महिंदर भगत मैं तुम एक गल कह रहा है कि जो पार्टी फैसला करती है उदो सारे यूनाइट होकर लड़ते हैं, रह जाती इक्का दुक्की गल भी सारी पार्टियां दे विच कोई आउंदा है कोई चले जाता है, लेकिन ये पार्टियां नूं की फर्क पै चलिया गल दा। लेकिन मैं तुहानूं कहा कि अल्टीमेटली लोग अपना भला देखते हैं, पंजाब का भला देखते हैं, जलंधर का भला देखते हैं, लोगों नूं ये समझ लगती है कि जे जलंधर का भला करना है तो बई जिन्हां दी सरकार है केंद्र दे विच उन्हां दा उम्मीदवार जिता के भेजना चाहिए ता कि केंद्र दे विचों कोई स्कीमां लैके आ सके, कोई पैसा लैके आ सके, कोई कारखाना लैके आ सके, जितना यूथ नूं फायदा होवे, किसान नूं फायदा होवे, व्यापारी नूं फायदा होवे, और जलंधर दी डिवेलपमेंट होवे। लोग इसलिए महसूस करते हैं कि जे किसी नूं दूजे नूं जिता के भेजोगे भी तो वह लेगा कि वह बनेगा कि पर जिस तरीके नाल महेंद्र भगत छड़ के गए ने पार्टी, हालांकि उन्होंने पिता चुन्नी लाल भगत अलग गल कर रहे हैं, पर उदे विच हुण लगता नहीं ढै पेगी चोणां दे बिल्कुल पहला, तो एससी भाईचारा जिहड़ा है वह कितना कितना फिर वोट उधर नूं चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, पहली गल तो एक गल मैं क्लीयर कर दिया कि चुन्नी लाल भगत उन्हां दे नां दे उपर भगत बरादरी दम भरदी है, और महिंदर भगत क्योंकि ये मनुखा मौका शनाखत जड़े है वह सामने शो होए है, और उस गल का दुख चुन्नी लाल भगत होर है, और लोगों के अपील कर रहे हैं, चुन्नी लाल भगत जी लोगों को कह रहे हैं कि मेरे मुंडे ने गलती की है, लोगों तुसी ना गलती कर लेना, बई मैं तुहानू कह रहा कि मैं बीजेपी दे विच हैगा, ये चुन्नी लाल भगत कह रहा है कि बीजेपी नू वोट पाना, ये चुन्नी लाल भगत कह रहा है, तो इसलिए उहदी कोई वैल्यू नहीं होने लगी। चलो कांग्रेस की गल कर लें, जिहड़ी सीट सीगी मरहूम एम पी साहब जड़े ने उन्हों का भी एक अलग और उन्हों की पत्नी जी हालांकि पहली बार चोण लड़ रही है एम पी की, लगता कांग्रेस नो जो कहते सेंटीमेंट वोट है वो तो नहीं मिल जाएगा? देखो गल सेंटीमेंट एक पास हो सकता है कि उस फैमिली ना साढ़े सारे दे सेंटीमेंट हो, चौधरी संतोख सिंह होर सा सारे का प्यार से, लेकिन इतने गल सेंटीमेंट की नहीं,
इत्थे गल पंजाब दे भले दी है, इत्थे गल मैं तुहानूं इह कहा कि बई किसानी दी है, इत्थे गल जवानी दी है, इत्थे गल दवाई दी है, इत्थे गल पढ़ाई दी है। ये जिहड़ियां सब चीजां हैगियां उहनूं थादी सानूं मिल सकदियां जे केंद्र दे विच केंद्र दा बंदा जाए ते लोग मैनूं लगदा है कि इत्थे इस वेले मन बना के बैठे है कि असीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कैंडिडेट नूं जिता के भेजांगे। ये भी असीं कई नेतियां नाल गल कर रहे सी, ओह कह रहे ने कि पंजाब नाल केंद्र वितकरा करदा पिया है, कणक दी 6% ते उस तों बाद कहिंदे असीं देणा नहीं जिहड़ी खराब होई है, दूजा बंदे भारत उधर लाई जा रही जिधर इलैक्शन नहीं ने, जिधर इलैक्शन इलैक्शन हो रहे ने उधर मिल रही है, असं अमृतसर नूं मांग रहे सानूं मिलदी नहीं पई है, तमाम चीज़ां कही जा रही ने। पहली गल है कि मैं तुहानूं एक गल दस्सां, वंदे भारत लुधियाने तो ऑलरेडी चल रही है, अमृतसर तों बड़ी जल्दी ही चलन वाली है, वो एक महीने दे विच अमृतसर तों शुरुआत हो रही है, उहदी अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है, ये तो इशू ही नहीं हैगा। इत्थे दे किसान वास्ते तुसी कुछ भी मंगो प्रधानमंत्री करने लई तैयार है। मैं एक तुहानूं गल पुछा बई पंजाब दे अंदर जिहड़ा खराबा होया वो 15% स्टेट गौरमेंट ने और केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट चुकिया, ते खराबे तो 18% जिहड़ा हैगा वो केंद्र सरकार ने अपने उपर ले लिया है, रह जाती है गल बाकी दी कट दी। और असी भी ये मंग कीती है, पंजाब दी बीजेपी ने भी किया है भी ये जिहड़ी किसानां दी मंग है कि कोई भी कट ना लगे, असी सोचदे हैं वाजब है और असी भी केंद्र सरकार नूं किया है कि ये कट नहीं लगना चाहिए, असी किसान दे नाल दम भरांगे, असी किसान दी आवाज दे नाल आवाज मिलावांगे। पंजाब दी बीजेपी किसान दी हर उस मंग दे नाल है जिहड़ी वाजब ते जायज है। चलो लोकल जिहड़ी हुण इत्थे राज्य दी सरकार है आम आदमी पार्टी, वो जोर च लगी हुई है कि साडा ही MP बने, बार हर बार वो PC-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 9000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂ MH ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੱਬ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ 3ਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਜਾਓ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੁਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਟੋਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 3.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਟੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਈ ਚਿੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਕਦੇ। ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਹੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
अपने प्रोग्रामा दे नाल अपनी नीतियां दे नाल देखना है और लोगों ने फैसला करना है कि सारी पार्टियां दे विच्चों केड़ी पार्टी साडे जलंधर दा भला कर सकती है, केड़ी पार्टी साडे बच्चियां दा ध्यान कर सकती है, केड़ी पार्टी सानू ये जिन्ना कर्जे दा बोझ है ये तो सानू बेल आउट कौन कर सकता है। ये सारे लोग समझते हैं भाई दूजे नू पा के वोट वोट वेस्ट ते खराब क्यों करना भाई, ते उहदे नाल मिलना की किसे नू। ते जे मैं तुहानू एक गल कही है कि अकाली दल दा होवे कांग्रेस दा होवे या तुसी आप वालियां दा कहो भाई इन्हां ने करना की जाके। एक गल मैं तुहानू एक गल कह रहा कि उत्थे नरेंद्र मोदी की सरकार नू ते कोई फर्क नहीं पैण लगा ना। हाँ अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दे विच इह जलंधर वाले अपना एम पी जिता के उन्हां दा भेज दिंदे है ते भाई वह खुश हो के एदा ध्यान करनगे भी तुसी उन्हां दा सन्मान रख्या है मोदी साहब दा ते मोदी साहब जलंधर दा पूरा सन्मान रखणगे। इसलिए मैनूं पूरा भरोसा है कि लोग जिहड़ा है वह अपने फायदे की गल देखणगे नुकसान की नहीं देखणगे। चलो आखिरी सवाल है हुण जित दी तुसी गल कर रहे हो किस तरीके की जित मानते हो तो किन्ने मार्जन रहने का तुहानूं उम्मीद है? देखो मैं तो तुहानूं एक गल कहां बई नंबर वन के उपर भारतीय जनता पार्टी है ये तिना पार्टियां की नंबर सैकंड से रहन की दौड़ है ये आपो च फैसला कर लैन किन्ने सैकंड रहना यार अही नंबर वन ते हां ते एक नंबर ते रहा। कोई धन्यवाद गल कर रहे राजकुमार वेरका जिहड़े कह रहे हैं कि नंबर वन ते पार्टी आएगी ते बाकी दी पार्टियां नंबर दो वास्ते लड़ाई कर रही हुण देखना 10 तरीक नूं होएगा जनता किहदे सर ते सिहरा सजांदी ते किहदे नाम दे अगे बटन दबांदी है। जलंधर तो नितिन धीमान MH1 न्यूज़।